पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिलने की आशंका, मौके पर एनएसजी की टीम पहुंची। ईवीएम पर फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को लगा करारा तमाचा, बैलेट लूटने वालों के सपने हुए चकनाचूर, अब नहीं लौटने वाला है पुराना दौर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला, एक धर्म के आधार पर नहीं चल सकता देश, मैनिफेस्टो में केवल तुष्टीकरण, क्या शरिया से चलेगा देश। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी, पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक करीब 60% मतदान, एमपी में 46 और यूपी में करीब 44% वोटिंग।